ओके, आप सब की तरफ से, आप सब की तरफ से आई एम गोइंग टू डू दिस. अरे दैट वाज फन. Could you please hand over the mic to Mr. Bachchan? Yeah, yeah, he's got a label. That's mic, great. Yeah. Firstly, hum sab ki taraf se, media wale and my EF right there back. This is for you from all of Hindustan. Thank you. Mr. P, I'm going to ask you this question sabse pehle. A man who is 102 years old. Okay, a few of us hum dekh rahe the, humne kaha humse ho payega, nahi ho payega. What's the secret to staying that youthful? अभी 102 के तो हुए नहीं है. आपने कहा 102, वो फिल्म में 102 वर्ष का है. बट हमें लगा कि एक अच्छा सा गाना होना चाहिए. और जैसे कि उमेश जी ने कहा, मुझे लगा कि एक हैप्पी सॉन्ग हम दोनों के बीच में होना चाहिए. और उसी समय इसको कंपोज किया और कर दिया. बड़ी मुश्किल हुई, ये भाई साहब जो है छोड़ते नहीं कि और कष्ट हुआ, अब जनता के सामने रख दिया, देखें क्या होता है. बहुत बहुत शुक्रिया. बिग हैंड वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन. थैंक यू मिस्टर कपूर. ऑफ कोर्स आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हिच इज, आपने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, यू हैव सम ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स दैट हिंदी सिनेमा हैज विथ यू ऑन द स्क्रीन. आपने एक बार कहा था कि लिप सिंकिंग जो है वो आपको थोड़ा सा, यू नो, यू टू फाइंड दैट चैलेंजिंग. How challenging was it to actually sing for the very first time? एक तो ये थोड़ा underplay कर रहे हैं जी, as usual. आपको बताया कि ये इन्होंने, जैसे उमेश ने कहा कि गाना पूरा इन्होंने बैठाया, मतलब उन्होंने कंपोज किया है, म्यूजिक अरेंज किया है. और अभी भी जब हम देख रहे थे तो इमीडिएटली वो उन्होंने डाटा डायरेक्टर को कि भाई देखो वो म्यूजिक में वो इंस्ट्रूमेंट नहीं आया, ये नहीं आया. सो दिस शोज हिज पैशन, दिस शोज हिज आदमी की अभी भी वो छोड़ नहीं रहे थे गाने को. तो मुझे खुशी इस बात की है कि मैं भी इनके साथ, मैंने मेरी जुर्रत के मैं इनके साथ गाना गा, मैंने गाया है. बट आई इमेंसली एंजॉयड इट एंड आई प्रिज्यूम दैट यू विल आल्सो लाइक, वी हैव सीन द सॉन्ग, दे विल ऑल लाइक इट. थैंक यू सो मच. अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वर्ड ऑफ द डे व्हिच इज बाटुम्बा. ऑलराइट, अब मैं बुलाना चाहूंगी इस मंच पर उमेश जी, विवेक जी एंड जिमित. कुड यू प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज. Hi, welcome. Soumya, could I please request you to join? Jiska mujhe tha intezar. Ladies and gentlemen, could we please have the Q&A to begin after a second of photographs, please? Check. बच्चन साहब, कपूर साहब, बहुत बेहतरीन सा गाना है एंड मजा आ गया देख करके. मेरा नाम आलोक है. जी जी सर, सवाल है कि पहली दफे कब आपने बडुम्बा लिखा था, कुछ याद आता है आज के दिन? मुझे पूछ रहे? जी सर. ये बस ऐसे ही मन में आ गया शब्द. कभी उल्लास हुआ, कभी किसी ने कुछ अच्छी बात की, या कुछ भारत ने मैच जीत लिया, क्रिकेट गेम जीत लिया, तो ऐसा लगा कि ये एक शब्द बस ऐसे ही मुंह से अनचित्ते ही निकल गया. बार बार मैं डालता गया और इसी तरह. कपूर साहब, आपसे सवाल है कि अलग अलग फंक्शन में या अलग, तो जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे ही कभी कभी खुशी का मौका हो या कुछ. कई बार मैं जानना चाह रहा था कि ये जब खुशी होती है तो बहुत से लोग लिखते हैं ये वर्ड कहां से है, अभी कोई बता नहीं पाया मुझे, या वाव, ये वाव वर्ड भी कैसे बना. तो मैंने सोचा कि एक अपना ही शब्द बना देते हैं बडुम्बा, आइंदा यही इस्तेमाल होगा. कपूर साहब, आपसे सवाल है कि अलग अलग क्या माहौल था, थोड़ा वो हमसे शेयर करें. हमने साथ में काम किया 27 साल के बाद और ऐसा कभी ऐसा एक पल भी नहीं था, ऐसा क्षण एक भी नहीं था जो कि लगा कि 27 साल बाद हम काम कर रहे हैं. जब हमने रिहर्सल किया तो जो वो कड़ी थी वो उस वक्त ही जुड़ गई और ऐसा लगा कि हम कभी बिछड़े नहीं थे, बस हम काम करते ही रहे. आज इस बात को मैं बहुत फख्र से कहना चाहता हूँ कि मैं इनके साथ
44 साल से काम कर रहा हूं, 44 years back. हमने पहली बार काम किया था कभी कभी में, जो आप शायद भूल गई थी मैडम बोलना, वो एक्चुअली हमारी पहली फिल्म थी और आखिरी फिल्म जो थी वो अजूबा थी, और अब हम ये फिल्म 102 नॉट आउट आपके सामने ला रहे हैं. उमेश जी, जैसे उन्होंने कहा कि ये शब्द जो बादुम्बा के आप कह रहे थे, तो ये वैसे ही वाली बात है कि याहू जो इतना पॉपुलर हो गया, तो याहू का मतलब क्या है? तो इट्स वन ऑफ द एक्सप्रेशंस, एक वो एक एक्सप्रेशन है ऑफ जॉय, ऑफ सेलिब्रेशन. तो जैसे कि आपने देखा वैसे, दैट इज व्हाट इट इज. उमेश जी, कहानी के बारे में तो आपने जिक्र किया जब आप बच्चन साहब को सुनाने गए या कपूर साहब को, लेकिन डायरेक्शन के दौरान कभी कोई प्रेशर लगा कि ये दोनों का जो तजुर्बा था वो मुझे काम आया? इनफैक्ट दे मेड मी सो कंफर्टेबल ऑन द फर्स्ट डे ओनली, कि ऐसा कभी उन्होंने महसूस नहीं करने दिया कि यार हमने इतनी फिल्में की है, आप पहली बार हो, ऐसा कभी नहीं जाता है. इनफैक्ट हम लोग ने काफी हंसते खेलते पूरी फिल्म फिनिश की है. यस मिस्टर विवेक, आजकल चाइना में डेफिनेटली प्लान है हमारा, कोशिश अभी ऑलरेडी शुरू कर दी है हमने. वी बिलीव दैट ये जो सब्जेक्ट है इट इज एब्सोल्युटली एप्ट फॉर ऑडियंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड विथ व्हाट चाइना इज काइंड ऑफ डूइंग एज फार एज द एक्सेप्टेंस ऑफ हिंदी मूवीज दैट इज देयर राइट नाउ, वी डेफिनेटली बिलीव दैट देयर इज एन ऑडियंस फॉर दिस फिल्म देयर एज वेल, एंड वी ऑलरेडी स्टार्टेड आवर एफर्ट्स in that direction. And not only China, whether it's other markets like Japan, Korea, and other Asian markets where the sensibility of father-son relationships is as strong as this, we are kind of looking at going there in a big way. We have a Chinaman in the film. Yeah, that's right. But you have straight. You can't see anybody. Just straight up there. Yes, your question, please. Sir, the tagline of the film is बाप कूल बेटा ओल्ड स्कूल. रियल लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जब यू नो यू हैव बीन द कूल फादर एंड अभिषेक बीन ओल्ड स्कूल, ऐसा कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे? जी अभी तक नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए, और अगर होने की गुंजाइश होगी तो हम होने भी नहीं देंगे. ऋषि सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जो यू हैव बीन द कूलेस्ट फादर यू नो? वो तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं. मैं बड़ा ओल्ड फैशन ऑर्थोडॉक्स आदमी हूँ, नो ये बात मेरे साथ नहीं होती. बच्चन साहब यहाँ पे राइट में, आपके राइट में, लेफ्ट में ओके दैट्स फाइन थैंक यू. जिस तरह की एनर्जी हम देख रहे हैं आपको इस गाने में, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो वो भी कमाल की है, कहाँ से लाते हैं आप इतनी एनर्जी? कौन पूछ रहा है? अच्छा सॉरी. जिस तरह की बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप मूव्स कर रहे हैं डांस को लेकर, उसके बारे में जानना चाहेंगे, इतनी एनर्जी कहां से लाते हैं आप? तो शरीर है उसके अंदर एनर्जी है, उसको ले आते हैं. कहां से लाते हैं तो हमको नहीं मालूम, ये तो नहीं. वेयर डू आई ब्रिंग इट फ्रॉम? एक झूठ बोल रहे हैं, ये कैमरा जैसे चालू होता है ये कुछ और ही हो जाते हैं यार. ये होता है एक बड़ा बल्ब जो है ये वैसा. नहीं नहीं, बट शी इज आस्किंग कि आप लाते कहां से हैं? बाजार में तो बिकती नहीं है, और किसी दुकान में होगी तो हम उसको खरीदना चाहेंगे, लेकिन इसके पास उत्तर नहीं है मेरे पास कि कहां से लाते. एक्चुअली पैशन है वो करवाता है सब. हाय ऋषि जी एंड अमित जी, हाउ इज इट वर्किंग विथ एक्टर्स हु आर ग्रेट इन देयर ओन वे? टू योर लेफ्ट, टू योर राइट, सॉरी. ओके हाय. सो हाउ इज इट वर्किंग विद एक्टर्स हु आर एक्चुअली ग्रेट? सो डज इट एक्चुअली एनहांस द एंटायर परफॉर्मेंस एंड द फिल्म व्हेन यू हैव ग्रेट को एक्टर्स? यू आस्किंग मी? बोथ ऑफ यू ऑल. ओके, इट्स वंडरफुल टू बी एबल टू इंट्रोड्यूस जिमित हियर नाउ, हु इज अ ह्यूज सक्सेस स्टोरी. A very fine actor, and I think that you know, you forgot to introduce him. But you know, I believe that if my performance is something that you're appreciating, then it's due to my co-artist. If he does well, I look good. And whenever that has happened, it's always been the credit given to the co-artist, because if they don't perform well enough for your reactions to happen, then your reactions will go wrong. So I want to compliment Jimit as well as Chintuji, because all our performances, whatever you may see, whether you like it or don't like it, is dependent upon how well they perform. We are
our performances are a reflection of their performance. And if you're appreciating mine or Chintuji's or Jimmy's performance, then their co-artists have been able to reflect their good performance and their capability to them. Rishiji. वैसे इनको पैसे नहीं मिलने चाहिए फिल्म में एक्टिंग करने के लिए कोई एक्टिंग तो करते ही नहीं है ये इतने नेचुरल हैं ये इतने और जैसे इन्होंने कहा कि सहायक कलाकार जब ऐसे रिएक्ट करे तो वो हमारा काम आसान हो जाता है मुझे याद है मैं एक आपको शायद याद हो हम गाना फिल्म पिक्चराइज कर रहे थे नसीब का और उस गाने में पहला शॉट था अमित जी उस गाने में थोड़े शराब पिए हुए गाने हैं और वो मैं उनका छोटा भाई हूँ और मैं उनको घर ले जाना चाहता हूँ और वो एक फाइट वाइट करके भी आए हैं लगी भी है शराब में भी धुत हैं नहीं ज़्यादा हार्ट ब्रेक तो उन्हें मेरे साथ जब एक पहला शॉट हुआ मेरे ख्याल में वो जो भी स्टूडियो था तो अमित जी वो लाइक इन्होंने बहुत ऐसे सीन्स किए हैं बट उन्होंने वो शॉट देने से पहले एक बार कमल मास्टर जी थे और मनमोहन देसाई साहब थे तो हमने मैंने रिहर्सल नहीं की थी कुछ नहीं किया था उन कुछ म्यूजिक पीस था एंड हाउ ही ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इनटू दैट कैरेक्टर वो ऐसा वाकई में लगा कि आदमी रियली शराब पिया हुआ है और इन्होंने शराब पता नहीं कब से छोड़ी हुई भी है तो हाउ ही एक्चुअली इनएक्टेड दैट और उसमें लास्ट में एक टोपी का सीन था वो टोपी जो मेरी गिर जाती तो वो टोपी वो लेने जाते हैं तो वो टोपी टांग से लग जाती है तो आगे बढ़ते हैं अब पता नहीं ये आपका खुद सोचा हुआ था कमल जी का था या मनमोहन जी का था पर जैसे उन्होंने कहा और जैसे उन्होंने किया वो परफेक्ट पिच परफेक्ट उनकी टाइमिंग हर चीज इतने ब्रिलियंट थी सो मैं इनके बारे में ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्षण इनके साथ बहुत मैंने बिताए हैं और जो बहुत कमाल के एक्टर और आर्टिस्ट रहे हैं सर मिस्टर बच्चन एंड मिस्टर कपूर here to your right. Right here. Yeah. Thank you. Komal from Indian Express. My question is about how senior citizens are ignored in the society when it comes to jobs and social stratas, and they are a neglected strata in the society. And there are not too many films also made on senior citizens or, you know, but 102 Not Out is one of them. So if you could talk about, you know, ageism that is practiced not only in India but all over the world. Ageism. He did Piku, he did Pink, they're all senior citizens. He played that character in those films. How can you say films are not being made on that? Not too many films, actually. Well, there are not too many yeah, correct. People but like Amitabh Bachchan also in the industry. Yeah, but ageism does... yeah, but it's a valid question. Senior citizens are a very respectable society and a genre in our lives. If they are not there, we are not there. And yes, whenever we've tried to make films, we've tried to not only aggrandize their presence, but also give them a lot of dignity and respect. And I hope that through that, we're able to convey the message to common man out in the audience. Thank you. Bachchan sir and Chintu sir here, towards your left. Bachchan sir, your character is full of life, who cherishes every moment. In real life, how were you as a kid? And Chintu sir, as a father, how was Raj Kapoor sir? Was he just like Mr. Bachchan, full of life? Him first. Anyone can answer. You wanted to ask me what? As a kid. As a kid, how I was? Were you like Rishi, sir? Was his character, like on-screen character. Like boring. Was I boring? Abhi, madam, ye main kaise bol sakta? Ye to jo us zamane mein mere saath tha, wohi bol payenge na? Ki aapka charitra jo tha, wo bada boring tha. I don't know how I was as a kid. I hope that I was normal. मैं भी क्या कहूं उस पे मिस्टर बच्चन चिंटू जी इट्स क्लियर दैट देयर इज ग्रेट अफेक्शन एंड ग्रेट एडमिरेशन फॉर ईच अदर
I wanted to ask, when the two of you worked much more frequently back in the day when you were making films, the multi-starrer films, was there a healthy rivalry ever? And I mean that in the best way. You know, a healthy rivalry sometimes makes you work harder and really bring out the best in yourself. Was there ever a healthy rivalry when you were working more frequently? And was that there this time as well? The only rivalry that we profess to have is to make sure that the film does well. It doesn't matter who's doing better than you or worse than you, or whether you've been able to outsmart somebody or not. I think the end result of the film is what matters most. I was always looked after in the film by him. Like I didn't have a problem with him. You know, there was also a Vinod Khanna in the film, so he had a problem with him in the early stages. There was a Shatrughan Sinha in our film, so he had a problem with him that he took away the girl or whatever. So I never trespassed that territory as far as that is concerned. ये मेरे बड़े भाई हैं फिल्म में, मेरे दोस्त हैं और अब मेरे पिताजी भी हैं, तो मेरे साथ वो प्रॉब्लम था ही नहीं. एंड वी ऑलवेज वर्कड एज रियल, यू नो, वी जस्ट वर्कड टू आवर बेस्ट, दैट्स इट. जी बच्चन साहब एंड ऋषि जी, रूना जी, बहुत खूबसूरत गाना था, बहुत मजा आया देखकर भी, बहुत एनर्जेटिक था. डांस की भी बात करूंगी, आपके डांसेस की, स्पेशली बच्चन साहब आपकी डांसेस की बहुत अलग स्टाइल रही है और शायद उसके नकलें भी बहुत ज्यादा हुई हैं. इस बार आप जुम्बा करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? नया स्टाइल है डांसिंग. ये कहें, हम क्या कहें. चलिए, यही करवाते हैं हमसे सब कुछ, और बहुत कष्ट होता है, और इनको बताते हैं कि नहीं हो पाएगा, कुछ मत करो, थोड़ा आराम से करवाना, लेकिन ये सुनते ही नहीं है, कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं. एक बार जब तय हो गया कि ऐसा ही करना है तो फिर करना पड़ता है. झूठ बोल रहे अमित जी. अच्छा, ये गाना करने से पहले मुझे काजू बादाम भेज देते घर से, घर पे, कि ये इसलिए भेजता हूँ ताकि आप हमारे ज्यादा मेहनत न करवाएं. रिश्वत मिलती है आपको? ऑफकोर्स, अभी से नहीं, कई सालों से. मेजर साहब का सोना सोना गाना चलेगा तब से लेगा. गाना स्टार्ट होता है, मेरे पास आता है तो पहले रेबड़ी आती है, काजू आता है, बादाम आता है, कि भैया स्टेप थोड़े से नॉर्मल. लेकिन ये गाने के बारे में बताऊं कि बहुत ही एनर्जी था इसके, जो स्टेप्स है बहुत ही नॉर्मल से, क्लैप का और जुम्बा का बहुत ही एनर्जी है. ऋषि जी और अमित जी ने बहुत ही मेहनत की, हम लोगों ने 3-4 दिन गाना किया और उसमें बहुत पावरफुल है, मतलब गाना. इसे जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना अमित जी के पास जाके, तो मैंने बोला अमित जी बहुत बड़ा गाना, ये बच्चे लोग यहाँ पे, यंगस्टर्स को बहुत कैच करेंगे, और वैसे हुआ यहाँ पे. Wait. On your left side, बच्चे जो आप शेयर करना चाहोगे, both of you all actually, कुछ ऐसे कोई पल? कुछ ऐसा था नहीं भाई साहब. हम लोग समय से पहुंच जाते थे और समय के बाद छोड़े जाते थे, और बस यही था. और ज्यादा उसमें परिवर्तन भी नहीं था. लोकेशन जो थी बड़ी लिमिटेड थी, जहां बोला जाता था वहां जाकर, वो सीन्स वगैरह सब पहले से दिए हुए थे. एक दो रिहर्सल के बाद हम लोग शुरू हो जाते थे. कभी कुछ ऐसा मौका ही नहीं मिला कि इस प्रश्न का आपको सही उत्तर दे पाए, ऐसा मौका नहीं आया. ऋषि जी बहुत बहुत शुक्रिया सर. आपको ये लुक के बारे में जानना चाहेंगे एक्चुअली, ये जो लुक था. ये सर, ये प्रोस्थेटिक मेकअप जो होता है, इसको 1.5-2 घंटे लगते हैं लगाने में, और 1 घंटा लगता है उतारने में. तो भले ही हमको 6 बजे शाम को छोड़ दें, लेकिन घर हम 9 बजे पहुंचते हैं, क्योंकि उसको लगाने में उतारने में तकलीफ होती है. बट आजकल देखिए, जितने भी हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं उनकी हम दाद देंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक सीख ली है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि जब हम उसको पहन लेते हैं तो वाकई में वृद्ध लगते हैं. और उनके मेकअप की वजह से हमारे परफॉर्मेंस में भी एक परिवर्तन आता है, मैं ऐसा मानता हूं. जब हम अपनी शक्ल देखते हैं कि हमारा बाल सफेद हो गए हैं या गंजे हो गए हैं, वृद्धावस्था चेहरे पे आ गई है, उसे देख करके हमें भी कैरेक्टर में घुसने का मन करता है. अमित जी, मतलब फिल्म में आप पिताजी बने हैं और आपके बेटे हैं ये, लेकिन असल जिंदगी में, असल जिंदगी में जब मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ऋषि जी ज्यादा बच्चों की तरह होते हैं, ज्यादा चुलबुले हैं, और आप ज्यादा गंभीर होते हैं. आप जब बोलते हैं तो बहुत संभल संभल के बोलते हैं, और ऋषि जी सारी बातें बता देते हैं कि कब किससे झगड़ा हुआ था या कब क्या हुआ था. आपको भी लगता है ऐसा? सर, जीवन में संभल के चले तो अच्छा है, बचे रहेंगे आप लोगों से. बच्चन साहब, राइट एट द एंड
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. What goes through your mind when you hear of such heinous crimes that have shaken the entire conscience? सर इस विषय पर चर्चा करने में हमें घिन आ रही है. इस विषय को मत उछालिए. It's terrible to even talk about it. Thank you very much. On that note, ladies and gentlemen, we'll have to ask our friends of the media to actually just wrap up with the photographs for this moment. Yes. Last question. Bachchan saab, Mr. Padukone, I'm so sorry. Last question. Bachchan saab, heartiest congratulations. You have proved to be a brilliant composer as well. I just wanted to check with you, was there any special reason that you have chosen to have the arrangements which have a Latin American flavor? It's brilliant. So I just wanted to check, was there any? Yeah, I just thought that we haven't had heard a Latin American rhythm for quite some time, and so I thought maybe we could do something like this. It just becomes very invigorating when you hear a Latin rhythm, and there have been other moments when I've composed songs for the film, like in Bagban and in Kalia, and they were more or less pretty normal songs, or there's been soft songs which I have contributed to, but I thought that maybe a lively number with a Caribbean or a kind of with a little bit of rumba and calypso in it would be very well, and it doesn't normally go with old people. Correct. I mean, you know, it is something that should be able to move older men to it, so that's why it has a calypso flavor. Yeah, that's right.